अलैक्म। आज के हम वीडियो में देखते हैं कि हमने नीव बेस्ड एल्गोरिथम एक है मशीन लर्निंग का, तो हमने उसकी आज इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं कि हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे करते हैं। चलिए अगर मैं लिखता हूँ फ्रॉम स्केल लर्न से मैं इम्पोर्ट करता हूँ अपने डाटा सेट्स, जैसे हमने मैंने डाटा सेट्स को इम्पोर्ट कर लिया। आज एक और इम्पोर्ट कर लेता हूँ मैं, हमारे पास ना यहाँ पे मैट्रिक्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब मैं रिजल्ट में बनाने लगूंगा ना तो उसके लिए मुझे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। तो जिसके लिए मुझे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, हमारा ऐसा होता है कि हम लोगों को क्लास के ऊपर बता देता है कि कितनी डिपेंडेंसी कैसे आई है। इन शॉर्ट अगर हम उसको अगर डिटेल में भी देख लेते हैं अभी, तो अभी कोड को करते हैं। ओके, और मैं इसके लिए लिखता हूँ फ्रॉम स्केलन डॉट नेबेस, और इधर से इसकी अगर इंटेलिजेंसी में मैं देखूँ कि इसकी इंटेलिजेंसी में हमें क्या क्या देता है, तो गोजिंग का मैंने दे दिया। डाटा सेट को अब मैं लोड करता हूँ, आईएनएस का ही मैं लूँगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा सेट है और इसके ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म परफॉर्म होते हैं हमारे भी। और माइंड भी आपको अगर नहीं याद है तो हमने यहाँ पे आईएनएस का डाटा सेट लास्ट वीडियो में देखा भी था कि आईएनएस का डाटा सेट में क्या क्या होता है। तो ये फ्लास्क का डाटा सेट है, इसके अंदर फ्लास्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी एक पत्ती की लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, वो कौन सी क्लास से करता है। इन शॉर्ट उसके थोड़े से फीचर्स भी होते हैं, अगर मैं इसको आपको यहीं पर दिखाऊँ तो ये उसके काइंड ऑफ फीचर्स भी हैं कि किस कैसे क्लास से बिलोंग करता है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा करते हैं, एक मैं मॉडल का वेरिएबल बना लेता हूँ और जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है गॉसियन का, उसको मैं एक फंक्शन में पास कर देता हूँ। ये इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी हम लोग डीप लर्निंग के मॉडल या मशीन लर्निंग के बनाते हैं तो हम लोग मॉडल के साथ ही खेलते हैं, काइंड ऑफ मॉडल का ही वेरिएबल बना लेते हैं जिसके ज़रिए हम लोग आगे फ्यूचर में हम लोगों ने अगर कोई भी चीज़ फिट करवानी हो मॉडल के अंदर या ट्रेनिंग करवानी हो तो वो हम मॉडल के ज़रिए सब कुछ स्टार्ट करवाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किया मॉडल के नाम से। ज़रूरी नहीं है आप मॉडल भी ले, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छे वेरिएबल डिक्लेरेशन से हमारे कोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। तो मॉडल डॉट फिट, अच्छा जब भी हम लोगों ने मॉडल को कोई चीज़ पास करनी हो या मॉडल के ऊपर ट्रेनिंग करवानी हो तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं मॉडल डॉट फिट का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, हाल दो काफ़ी ज़्यादा मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज में या डीप लर्निंग के अंदर मॉडल डॉट फिट के जरिए ही हमने कुछ भी मॉडल को फिट करवाना तो उसके लिए होता है। और ये हमेशा पैरामीटर लेता है कि आपने अगर आप यहाँ पे भी देखें तो आपको वो दिखा रहा है एक्स और वाई सैंपल वेट के, मतलब वो दो आपसे ले रहा है। माइट भी एक्स हमारी, एक्स और वाई हमारी लेबल हो सकती हैं कि वो हमसे क्या क्या ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो हमने डाटा सेट इम्पोर्ट किया है उसी को अगर मैं पास कर दूँ डाटा सेट डॉट डाटा यहाँ पे वो उसने दे दिया। अब ऐसा करते हैं कि हम इसको देखते हैं मॉडल को फिट करवाने से पहले पहले कि हम इसके अंदर एक्सपेक्टेड देखते हैं। एक और मैं वेरिएबल देखता हूँ, एक्सपेक्टेड का ले लेता हूँ, अच्छा यहाँ पे जो मैंने डिक्लेयर किया मैं अगर इसको यहीं पे यही पास कर दूँ कि ये इसमें वैल्यू क्या ले रहे हैं ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और फिर यहाँ पे इसी को प्रिंट करवा देता हूँ। और प्रिडिक्शन क्लासीफायर है ये नेव बेस, तो इसके लिए प्रिडिक्शन हमें लाजमी लेनी थी कि हमने मॉडल को कुछ पास किए। नेव बेस ऑलरेडी एक एल्गोरिथम है, हमने उसको कुछ चीज़ें पास की और उसके उससे रिटर्न में हम ले लेते हैं। माइट भी वो हमारी आउटपुट डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, वो कोई एल्गोरिथम परफॉर्म करेगा कि क्लस्टरिंग करेगा कि ये क्लास कहाँ पे ज़्यादा डिपेंडेंट करती है। जैसे अगर हम आईरिस का डाटा सेट देखें तो इसमें तीन क्लासेज, अब हमें नहीं पता कि कौन सी क्लास किसके साथ ज़्यादा इंटीग्रेट करती है, तो ये नेव बेस हमें भी यही बताएगा। तो प्रिडिक्शन का भी एक मैं ले लेता हूँ कीवर्ड के, चले प्रिडिक्ट का ले लेते हैं।
और मुझे क्या प्रिडिक्ट करवाना है, जो मैंने मॉडल बनाया है इसके अंदर से डॉट प्रिडिक्ट। अब प्रिडिक्ट भी ना, जैसे मेरे मॉडल डॉट फिट हुआ ना, तो मॉडल को यहाँ पे इनपुट मिली है, उसने कोई ना कोई अपने पर प्रोसेसिंग किया और उसके बाद कुछ रिजल्ट उसके पास होंगे जो मुझे उससे रिजल्ट देने होंगे, तो वह मॉडल डॉट प्रिडिक्ट से ले लूँगा। और यहाँ पे मैं डाटा सेट कौन सा पास करूँगा जो मैंने लोड किया हुआ है, आईडेस का डाटा सेट डॉट डाटा। अच्छा अब ये भी है, अब हम यूज़ कर लेते हैं प्रिंट। इसके अंदर मैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लेते हैं, डॉट लगा के मैंने देख लिया। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मुझे किन किन का बनाना है, एक्सपेक्टेड का बनाना है और मुझे प्रिडिक्ट का बनाना है। यहाँ पे मैट्रिक्स यही वाला मैट्रिक्स है जो मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स उसने मुझे बना दिया। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमेशा दो चीज़ों के दरमियान होता है, मिनिमम आपके पास दो होनी चाहिए, आपके यहाँ एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू हो, तो उसके ऊपर हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। और माइट बी थ्री अगर क्लासेज हमारे पास हों तो इसके लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बहुत बेटर बन जाता है। तो आईडेस हमारे पास ऑलरेडी थ्री क्लासेज के ऊपर अवेलेबल होता है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ भी, हमारी पहली क्लास एक ही है, दूसरी क्लास ये है, तीसरी क्लास ये है। तो इसके ऊपर हम लोग जब एक ये वैलिडेशन का ही है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, इसी तरह की के फोल्डिंग वैलिडेशन है और मल्टीपल वैलिडेशन है जो हम लोग लगाते हैं। तो इसको एक दफ़ा कोड को रन करके देखते हैं कि ये हमें कोड करता क्या। ओके अब ये यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड को प्रिंट करवाया था, उसने ये मुझे प्रिडिक्शन करके दी, उसने मुझे ये क्लासेस बना के दिए। ये जो 00 यहाँ तक ये एक क्लास है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी क्लास है, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरी क्लास है। और यहाँ पे ये मेरा बना है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना के सपोज कर लें, इसको मैं क्लास वन कह देता हूँ, ये सारी क्लास वन है मेरी, ये क्लास टू है, ये क्लास थ्री है। उसने क्लास वन के अंदर से 50% को प्रिडिक्ट किया है कि यहाँ पे अगर मेरे पास टोटल भी थे 50, तो उनमें से 50 क्लास ए को बिलोंग करते थे और 47 क्लास टू को और उनमें से टोटल थ्री को। और इसी तरह थर्ड टाइप के अंदर उसने क्लास थ्री को सबसे ज़्यादा दे दिया और क्लास टू को ये दे दिया। और अगर हम इस सब का सम लें तो इन सब का सम 50 आएगा। इसका मतलब यह है कि आपकी एक क्लास के अंदर टोटल इमेजेस या टोटल वैल्यूज 50 ही थे, उनमें से 50 उसने क्लास वन को सबसे ज़्यादा दे दिए और दूसरी के अंदर उसने क्लास थ्री को थ्री वैल्यू असाइन कर दी, क्लास टू को 47 असाइन कर दिए और क्लास थ्री को 47 असाइन कर दिए। इन शॉर्ट ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक क्लास देखें तो वो आपको 50 ही वैल्यू देगा। तो ये था हमारा नेव बेस। इसी तरह अगर आपने इसके अंदर अपनी ही करनी है तो आप के फोल्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं और डिफरेंट आईडेस के बजाय आप अपना डाटा सेट भी दे सकते हैं। अपना डाटा सेट से मिला दिया कि आप उसमें देखें कि मैंने अच्छा क्लस्टरिंग करनी है काइंड ऑफ, कि कौन सी वैल्यू कहाँ के ऊपर आ रही है, तो आप इसके ऊपर अपना भी कर सकते हैं। तो